Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Indian Bureau of Mines. हम जानेंगे इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के बारे में. इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस IBM हैज इन्फॉर्म्ड द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड माइंस दैट द माइनिंग लीज होल्डर इन ओडिशा आर इलीगली ट्रांसपोर्टिंग लो ग्रेड मैंगनीज ओर फ्रॉम देयर माइंस. जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है IBM, उन्होंने इन्फॉर्म किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड माइंस को कि जो माइनिंग लीज होल्डर है ओडिशा के, वो इलीगली ट्रांसपोर्ट कर रहा है लो ग्रेड मैंगनीज ओर को माइंस से. इसके बारे में हम डिटेल्स में जान लें तो जो प्रीवियस रिपोर्ट था, स्टील मिनिस्ट्री ने अलर्ट किया था ओडिशा गवर्नमेंट को नवंबर 2022 में कि अंडर रिपोर्टिंग जो हो रहा है ग्रेड ऑफ क्रोमाइट एंड मैंगनीज ओर का, और जो एमबी शाह कमीशन का रिपोर्ट था इलीगल माइनिंग को लेके, उसमें प्रोब किया गया था जो प्रॉब्लम था इरेगुलरिटीज को लेकर मिनरल सेक्टर पे पास्ट ईयर्स पे, जिसमें बताया गया कि जो लॉस हो रहा है इसके कारण 59,000 करोड़ का है. आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज लॉस हो रहा है. माइंस एंड मिनरल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957. तो माइंस एंड मिनरल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 का इम्पावर स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर प्रिवेंटिंग इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ मिनरल. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश द करेक्ट ग्रेड ऑफ मिनरल बींग डिस्पैच. ये इम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो रूल्स बनाए ताकि प्रिवेंट किया जा सके इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज को मिनरल्स का, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट का है कि वो एस्टेब्लिश करे करेक्ट ग्रेड को मिनरल्स जिसको कि डिस्पैच किया जा रहा है माइनिंग रिसोर्सेस इन ओडिशा. जो माइनिंग रिसोर्सेस है ओडिशा का, तो ओडिशा जो है वो एक मिनरल रिच स्टेट है जहाँ पे 96% इंडिया का जो है क्रोम ओर पाया जाता है, 51% बॉक्साइट रिजर्व है, 33% हेमेसाइट आयरन ओर है और 43% मैंगनीज पाया जाता है. तो आप समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या हो गया ओडिशा स्टेट का माइनिंग के लिहाज से. अब हम मैंगनीज के बारे में जान लें. मैंगनीज इज ए सिल्वरी ग्रे मेटल दैट इज फाउंड इन अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट. इट इज कॉमनली यूज इन प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड अदर अलॉयज ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ टफनेस एंड वर्केबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल. मैंगनीज जो है आपका वो एक सिल्वर ग्रे मेटल है जो कि पाया जाता है अबंडेंस में अर्थ के क्रस्ट में. ये जो है कॉमनली उपयोग किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए स्टील या अदर अलॉय को, क्योंकि इसका जो एबिलिटी है इम्प्रूव करने का स्ट्रेंथ टफनेस और वर्केबिलिटी को इस मटेरियल का, इसका ऐसा उपयोग होता है. IBM के बारे में भी हम जान लें. इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन इस्टेब्लिश इन 1948 हेडक्वार्टर इन नागपुर प्रमोट द सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री बोथ ऑनशोर एंड ऑफशोर. जबकि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में, इसका हेडक्वार्टर नागपुर पर है. ये प्रमोट करता है सिस्टमेटिक और साइंटिफिक डेवलपमेंट को मिनरल रिसोर्स का कंट्री में, दोनों ही ऑनशोर और ऑफशोर के लिए. इट कलेक्ट अ डाटाबेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन माइन्स एंड मिनरल्स इन द कंट्री टू क्रिएट अ नेशनल मिनरल इन्फॉर्मेशन रिपोजिटरी. और ये कलेक्ट करता है जो डाटाबेस है इन्फॉर्मेशन का माइन्स और मिनरल्स को लेकर कंट्री का, ताकि क्रिएट किया जा सके एक नेशनल मिनरल इन्फॉर्मेशन रिपोजिटरी को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीटीपी एनईआर स्कीम. पीआईबी का न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जानेंगे इसके बारे में हम डिटेल्स में. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर हैव लॉन्च मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन पीटीपी एनईआर फॉर इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ टैलेंटेड आर्टिसियन बिलोंगिंग टू द नॉर्थ ईस्ट. तो किसने लॉन्च किया इस स्कीम को? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने लॉन्च किया है मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन. यदि प्रमोट करना ट्राइबल प्रोडक्ट को नॉर्थ ईस्ट रीजन का, ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इस स्कीम को, ताकि इम्प्रूव किया जा सके जो लाइफ है टैलेंटेड आर्टिसियन का जो कि बिलोंग करते हैं नॉर्थ ईस्ट को. इस स्कीम के बारे में हम जान लें तो नॉर्डल मिनिस्ट्रीज के लिए कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर. किस टाइप का स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. एम क्या है इस स्कीम का? टू स्ट्रेंथन लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर ट्राइबल आर्टिसियन थ्रू इंक्रीज एफिशियंसी इन प्रोक्योरमेंट लॉजिस्टिक एंड मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. स्ट्रेंथन किया जा सके लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को ट्राइबल आर्टिसियन का, इंक्रीज करके एफिशियंसी को प्रोक्योरमेंट लॉजिस्टिक और मार्केटिंग का ट्राइबल प्रोडक्ट के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का. स्टेट जिसको कि कवर किया गया इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, इन सब स्टेट को कवर किया गया है नॉर्थ ईस्ट स्टेट का. नोडल एजेंसी की अगर हम बात करें तो ट्राइफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन जो है ये इसकी नोडल एजेंसी है. की फीचर्स इस स्कीम का क्या हम समझते हैं? फैसिलिटेट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज टू इंक्यूबेशन सपोर्ट एग्रीगेशन स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड पब्लिसिटी. ये फैसिलिटेट कर रहा है बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को, इंक्यूबेशन सपोर्ट एग्रीगेशन स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सोर्स करके प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड पब्लिसिटी के माध्यम से.
tribal artisan mela, TEM. Central government to organize TEM in April and May to showcase tribal products. The empanelment of tribal artisan will be done directly or through tribal artisan mela. तो ट्राइबल आर्टिसन मेला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया इसको अप्रैल और मई के मंथ में ताकि शोकास किया जा सके ट्राइबल प्रोडक्ट को। ये इम्पैनलमेंट जो है ट्राइबल आर्टिसन के लिए है जिसको डायरेक्टली किया जा रहा है ट्राइबल आर्टिसन मेला के तौर पे। पार्टनर की अगर हम बात करें इसके लिए पार्टनर कौन है तो नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडियन पोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एजेंसी जो है ये सारे इसके लिए पार्टनर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिशन 50 के ईवी फॉर ईसीओ, तो हम जानेंगे मिशन 50 के ईवी फॉर इको के बारे में। द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी हैज लॉन्च मिशन 50 के ईवी फॉर इको। द इनिशिएटिव विल फंड द परचेज ऑफ 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल इन द कंट्री टू स्पर द लोकल इकोसिस्टम। ये जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है सिडबी, उसने लॉन्च किया मिशन 50 के ईवी फॉर इको को। किसने लॉन्च किया इम्पोर्टेंट है, ये जो इनिशिएटिव है ये फंड करेगा परचेज को 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंट्री पे ताकि स्पर किया जा सके लोकल इकोसिस्टम को। इस मिशन के बारे में हम जान ले, द पायलट फेज ऑफ मिशन 50 के ईवी फॉर इको विल इंक्रीज द अपटेक फॉर 2, 3 और 4 व्हीलर टू डायरेक्ट टू एमएसएमई एंड इनडायरेक्ट लैंडिंग टू एनबीएफसी। जो पायलट फेज है मिशन 50 के ईवी फॉर इको का, ये इंक्रीज करेगा अपटेक को 2, 3 और 4 व्हीलर का डायरेक्ट एमएसएमई के माध्यम से और इनडायरेक्ट लैंडिंग के माध्यम से एनबीएफसी के द्वारा। दिस स्कीम इज द प्रिकर्सर टू इवॉल्व स्कीम बाय सिडबी वर्ल्ड बैंक। ये जो स्कीम है ये प्रिकर्सर है इवॉल्व स्कीम का जो सिडबी वर्ल्ड बैंक का था। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रैंक 5th लार्जेस्ट ग्लोबली एंड एक्सपेक्टेड टू बिकम 3rd लार्जेस्ट बाय 2030। हाउएवर द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल अकाउंट फॉर जस्ट 1% ऑफ टोटल सेल करेंटली। जो इंडिया का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये 5वां लार्जेस्ट है वर्ल्ड का और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 3रा लार्जेस्ट बन जाएगा 2030 तक। उसके बावजूद जो सेल है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो सिर्फ 1% है टोटल सेल का प्रेजेंटली, तो यानी इसमें बहुत ज्यादा बूस्ट होने का स्कोप है। सिडबी के बारे में भी हम जान ले, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी एस्टैब्लिश इन 1990 एज ए सब्सिडरी ऑफ आईडीबीआई बैंक, स्टेटूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हेडक्वार्टर लखनऊ, इज द एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर ओवरऑल लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज फाइनेंस कंपनी इन इंडिया। तो आपका सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको एस्टैब्लिश किया गया 1990 पे एक सब्सिडरी के तौर पे आईडीबीआई बैंक के। ये एक स्टेटूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ पे है। ये आपका एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है जो कि ओवरऑल लाइसेंसिंग और रेगुलेशन करता है माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज फाइनेंस कंपनी को भारत में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेलो प्रीतिश थियोवोरा, हम जानेंगे आपका हेलो प्रीतिश थियोवोरा के बारे में, ये है क्या, क्यों न्यूज में आया है। The T mosquito bug Helopeltis thiobora is spreading rapidly and affecting tea production in both low and high elevation plantation in southern India. जो आपका T mosquito bug है जिसको नाम है आपका Helopeltis thiobora, ये आपका क्या है, T mosquito bug है जो कि स्प्रेड कर रहा है रैपिडली और अफेक्ट कर रहा है टी के प्रोडक्शन को दोनों ही लो और हाई एलिवेशन प्लांटेशन पर साउथ इंडिया के। इस बग के बारे में हम जान ले, इट इज अ मेजर सकिंग पेस्ट ऑफ इंडिया, पेस्ट ऑफ टी आई मीन सॉरी कैमिला सिलेंस एन द मोस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री। और ये आपका मेजर सकिंग पेस्ट है टी का कैमिला सिलेंस एन जो कि मोस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री में होता है। द निम्प एन एडल्ट ऑफ द टीएमबी सक द सैप फ्रॉम टेंडर लिप्स बर्ड्स एंड यंग शूट विल रिजल्ट इन हैवी क्रॉप लॉस। और जो निम्प होता है एडल्ट और टीएमबी का ये सक कर लेते हैं सैप को टेंडर लिप्स से बर्ड से या यंग शूट से जिसके कारण बहुत ज्यादा क्रॉप का नुकसान होता है। प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है इसको, इट कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग सिंथेटिक पेस्टिसाइड। हाउएवर द 2014 प्लांट प्रोटेक्शन कोड फ्रॉम टी बोर्ड ऑफ इंडिया रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ हार्मफुल पेस्टिसाइड टू कीप द टी सेफ एंड फ्री फ्रॉम हार्मफुल पेस्टिसाइड। इसको कंट्रोल किया जा सकता है उपयोग करके सिंथेटिक पेस्टिसाइड का, लेकिन जो 2014 का प्लांट प्रोटेक्शन कोड है टी बोर्ड का ये रिस्ट्रिक्ट करता है उपयोग को हार्मफुल पेस्टिसाइड का ताकि टी को सेफ रखा जा सके और फ्री रखा जा सके हार्मफुल पेस्टिसाइड से। इंडिया स्टेटस ऑफ टी, भारत का क्या स्टेटस है टी को लेकर, इंडिया इज द सेकेंड हाइएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ टी इन द वर्ल्ड एंड मेकअप ओवर 12% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट। इंडिया सेकेंड हाइएस्ट प्रोड्यूसर है टी का, चाइना जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है टी का पूरे विश्व में, और ये जो है 12% वर्ल्ड का एक्सपोर्ट करता है चाइना। ये आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने टी बग के बारे में बात किया था वो कैसा दिखता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्पून मिसाइल, हम जानेंगे हार्पून मिसाइल के बारे में। ताइवान टू बाय 400 यूएस एंटी शिप मिसाइल टू फेस चाइना थ्रेट। ताइवान जो है वो खरीदने जा रहा है 400 यूएस एंटी शिप मिसाइल को चाइना के थ्रेट को ध्यान में रखते हुए। ये जो आपका हार्पून मिसाइल है ये यूएस का है एंटी शिप मिसाइल है। इस मिसाइल के बारे में हम डिटेल्स में डाल ले, ऑल वेदर ओवर दी होरिजिन एंटी शिप मिसाइल। मिसाइल का टाइप कैसा है, ये ऑल वेदर मिसाइल है ओवर दी होरिजिन और एंटी शिप मिसाइल है। मैन्युफैक्चर कौन है इसके,
तो मैकडोनल्ड डॉगलास जो कि नाउ आपका बोइंग डिफेंस है यूएसए का, वो इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। इसका रेंज क्या है, 93 से 280 किलोमीटर के बीच में इसका रेंज है। फ्लाइट का पाथ क्या है, लो लेबर सी स्कीमिंग क्रूज ट्रेजेक्ट्री, यानी लो लेबल सी स्कीमिंग क्रूज ट्रेजेक्ट्री इसका फ्लाइट पाथ है। सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर का उपयोग किया गया है, यूज इन सर्फेस शिप सबमरीन एंड कोस्टल डिफेंस बैटरी, उसका उपयोग किया जाता है सर्फेस शिप सबमरीन और कोस्टल डिफेंस बैटरी के लिए। यूजर्स की अगर हम बात करें तो 30 नेशन है जो कि उपयोग कर रहे हैं हार्पून मिसाइल का, जिसमें भारत भी एक नेशन में है। अदर एंटीशिप मिसाइल विच इंडिया, इसके अलावा जो एंटीशिप मिसाइल है तो एंटीशिप वर्सन जैसे कि आपका ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का हो गया, इंडिजेनस नेवी एंटरशिप मिसाइल शॉर्ट लेंथ जो है आपका नसाम एसआर मिसाइल, वो खुद का है भारत का, ये भी आपका वो है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन स्पेस पॉलिसी आईएसपी 2023 प्रोस एंड कॉन्स। तो जो इंडियन स्पेस पॉलिसी है आईएसपी 2023 का, इसके प्रोस और कॉन्स को हम जानते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव द न्यू स्पेस पॉलिसी विच अलाउ नॉन गवर्नमेंट एंटिटी टू ऑफर नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस थ्रू सेल फोन और लीज सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है न्यू स्पेस पॉलिसी को, जो कि अलाउ कर रहा है नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज को कि वो ऑफर कर सकते हैं नेशनल या इंटरनेशनल स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस को सेल्फ ऑन या लीज सैटेलाइट सिस्टम के मदद से। नॉन गवर्नमेंट एंटिटी रिफर टू ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन दैट आर नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, एग्जांपल प्राइवेट कंपनी, एनजीओ, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। और नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज जो है वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है जो कि डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किए जाते गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि प्राइवेट कंपनी हो गया, एनजीओ हो गया, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज कैन एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट ग्राउंड फैसिलिटी फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ऑपरेशन सच एज टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड, इस स्टेशन एंड सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर। और जो आपके नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं ग्राउंड फैसिलिटी को स्पेस ऑब्जेक्ट ऑपरेशन के लिए, जैसे कि टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड, अर्थ स्टेशन, सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर, ऑफर नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस थ्रू सेल फोन, प्रोक्योर और लीज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड नॉन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट सैटेलाइट सिस्टम। ये ऑफर कर सकते हैं नेशनल या इंटरनेशनल स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस को सेल्फ ऑन, प्रोक्योर या लीज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या नॉन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट सैटेलाइट सिस्टम के मदद से। यूज ऑर्बिटल रिसोर्स टू एस्टेब्लिश स्पेस ऑब्जेक्ट फॉर कम्युनिकेशन सर्विस ओवर इंडिया एंड आउटसाइड, उपयोग कर सकते हैं ऑर्बिटल रिसोर्स का एस्टेब्लिश करने के लिए स्पेस ऑब्जेक्ट को कम्युनिकेशन सर्विस के लिए इंडिया या उसके आउटसाइड के लिए। मैन्युफैक्चर एंड ऑपरेट स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंक्लूडिंग लॉन्च व्हीकल शटर एक्सेट्रा, जो मैन्युफैक्चर कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, जिसमें कि लॉन्च व्हीकल शटर सब आएगा। इंगेज इन द कमर्शियल रिकवरी ऑफ एन एस्ट्रॉयड रिसोर्स और ए स्पेस रिसोर्स, ये इंगेज हो सकता है कमर्शियल रिकवरी में भी एस्ट्रॉयड रिसोर्स या स्पेस रिसोर्स के लिए। प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, क्या प्रोस या क्या कॉन्स है इंडियन स्पेस पॉलिसी का, तो दोनों को हम समझेंगे। पहले हम प्रोस जान लेते हैं। इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इसरो विल बी एबल टू फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट मोर, ये इंक्रीज करेगा प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को, इससे क्या होगा इसरो जो है वो और ज्यादा फोकस कर पाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। एक्सपेंडेड स्पेस इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग इंडिया शेयर इन द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी टू 10%, ये एक्सपेंड करेगा स्पेस इकोनॉमी को, इंक्रीज करेगा जो भारत का शेयर है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में उसको 10% तक कर देगा बढ़ा के। क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, ये क्लियर कर देगा जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है अलग अलग एंटिटीज का। यूटिलाइजेशन ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन दिस सेक्टर टू इंक्रीज कम्पिटिटिवनेस, ये यूटिलाइज करेगा जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है इस सेक्टर में ताकि बढ़ाया जा सके कम्पिटिटिवनेस को। इम्प्रूव नेशनल सिक्योरिटी इन द स्पेस डोमेन, और ये इम्प्रूव करेगा नेशनल सिक्योरिटी को स्पेस डोमेन के लिए। कॉन्स क्या है, फिर हम कॉन्स को भी जान लें। रिस्क ऑफ द प्राइवेट सेक्टर डोमिनेटिंग द सेक्टर, ऑल्सो ओवर रिलायंस ऑन प्राइवेट एंटिटीज को लीड टू पोटेंशियल इश्यू इफ दिस एंटिटीज फेल और अंडर परफॉर्म, रिस्क है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो डोमिनेट हो सकता है कर ले इस सेक्टर को, साथ साथ बहुत ज्यादा डिपेंड होना प्राइवेट एंटिटीज पे, इसके कारण पोटेंशियल इश्यू हो सकता है कि अगर ये एंटिटीज फेल हो जाए या अंडर परफॉर्म करे तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। The benefit of the expanded space economy may not be equally distributed, potentially exacerbating existing socio-economic inequality. और जो बेनिफिट होगा एक्सपेंडेड स्पेस इकोनॉमी का वो हो सकता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, पोटेंशियली एक्सक्रिबेट करे एक्जिस्टिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो। जो पॉलिसी है ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि किस तरीके से रिसोर्स को एलोकेट किया जाएगा अलग अलग एंटिटीज के बीच में जो कि इन्वॉल्व होंगे स्पेस सेक्टर में, जिसके कारण पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। द स्पेस सेक्टर कैन हैव ए नेगेटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एंड द पॉलिसी डज नॉट एक्सप्लिसिटली एड्रेस हाउ दिस विल बी मिटिगेटेड, और जो स्पेस सेक्टर है इसका नेगेटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट भी हो सकता है, और ये जो पॉलिसी है ये नहीं एक्सप्लिसिटली एड्रेस कर रहा है कि किस तरीके से इसको मिटिगेट किया जा सके। इसका ये मतलब नहीं कि इसका कौन सा जो पॉलिसी खराब है, हर एक चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइड होता है, हमें देखना होगा कि क्या ज्यादा बेनिफिशियल है और उसके बीच में एक बैलेंस लेकर चलना होगा।
दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दीज आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।